हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th का ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जिसे हम लोग जीओसी के नाम से जानते हैं। इसका एग्जांपल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके बुक में प्रॉब्लम नंबर करके दिया हुआ है। ये प्रॉब्लम नंबर 12.7 है। क्या है क्वेश्चन, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्ट्रक्चर्स एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स आर गिवेन बिलो। एक्सप्लेन व्हाई द नेम्स गिवन इन द पैरेंथेसिस आर इनकरेक्ट। चलिए, क्या क्वेश्चन है उसे समझते हैं। हर एक क्वेश्चन का टू नेमिंग दिया हुआ है, एक इनकरेक्ट और दूसरा करेक्ट है, सही है। आपको बताना है कि वो करेक्ट क्यों है, या फिर दूसरा अगर इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट क्यों है। तो हम किए क्या है, हर एक क्वेश्चन का दो स्ट्रक्चर बनाए हैं। देखिए, आईयूपीएसी मेन क्वेश्चन अगर देखा जाए इस चैप्टर का, यहां से स्टार्ट होता है नोमेनक्लेचर। क्या नोमेनक्लेचर? अगर आपको नोमेनक्लेचर पूरा डिटेल में समझना है तो टाइप कीजिए नोमेनक्लेचर H1 बाय पीसी इंस्टीट्यूट। ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, ये सब सारा कांसेप्ट वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अदरवाइज चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या कांसेप्ट है। सिंपल, जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो क्या ख्याल रखना चाहिए। फर्स्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, मतलब जो आप नंबरिंग कीजिएगा लॉन्गेस्ट कार्बन होना चाहिए। सेकेंड, लॉन्गेस्ट कार्बन होना चाहिए लेकिन उस साइड से नंबरिंग करेंगे जिस साइड से ब्रांच मेरा लोवेस्ट पोजीशन पे हो। क्लियर? थर्ड क्या है, अगर हम नंबरिंग किए और ब्रांच अगर इक्विवेलेंट पोजीशन से आ जाए, यानी इस साइड से भी नंबरिंग करें ब्रांच उसी पोजीशन पे आ रहा है, दूसरे साइड से नेमिंग करें ब्रांच उसी पोजीशन पे आ रहा है, तो उस साइड से हम नेमिंग करेंगे जिस साइड से जो ब्रांच है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आना चाहिए। इस थ्री रूल को आप याद रखिए, यहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या बताएं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, सेकंड नंबरिंग उस साइड से करना है ब्रांच लोवेस्ट पोजीशन पे होना चाहिए, थर्ड अगर नंबरिंग कर रहे हैं और ब्रांच इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ जाए तो रिफरेंस किसे देंगे, जो ब्रांच मेरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पे समझिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर सिलेक्ट करें, अगर इस साइड से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कार्बन, 8 कार्बन। अगर इस साइड से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखिए दोनों साइड से क्या है 8 हो रहा है, तो सही कौन होगा। चलिए हम लोग दोनों, इसीलिए हम टू स्ट्रक्चर बनाए, दोनों में हम लोग नंबरिंग करते हैं। फर्स्ट यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम स्ट्रक्चर में अगर हम नंबरिंग इस साइड से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समझिए, दोनों मेरा क्या है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब हमको देखना ब्रांच लोवेस्ट पोजीशन पे किसमें है, तो कुछ नहीं कीजिए अब ब्रांच का पोजीशन को लिखिए। यहां पे ब्रांच कहां कहां पे देखिए, 2 पे है, और ब्रांच कहां पे 5 पे है, और ब्रांच कहां पे 6 पे है। अगर हम इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो देखिए ब्रांच कहां पे मेरा आ रहा है, फर्स्ट ब्रांच 3 पे, सेकेंड 4 पे, और थर्ड कहां पे 7 पे। ये मेरा ब्रांच का पोजीशन हुआ, ब्रांच का पोजीशन। तो हमको ये देखना है कि इनमें लोएस्ट कौन है, तो देखिए यहां पे क्या है 2 और ये क्या है 3, दैट मींस ये मेरा नंबरिंग क्या है गलत है। क्यों? क्योंकि ब्रांच यहां पे मेरा लोएस्ट पोजीशन पे आ रहा है, लोएस्ट लोकेंट पे आ रहा है, तो ये नंबरिंग क्या होगा गलत होगा। अब चलिए आईयूपीएसी नेम करते हैं। तो आईयूपीएसी नेम में क्या किया जाता है, आप जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिए उसके बाद जो कार्बन है या अदर चीज है जो बच जा रहा हो मेरा क्या होगा ब्रांच होगा, सफिक्स होगा, उसे हम पहले लिखते हैं, फिर जो आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट किए उसे लिखते हैं। तो देखिए ये तो गलत है, ये मेरा सही है। तो देखिए 2 पे क्या है मिथाइल, 5 पे मिथाइल, और 6 पे भी क्या है मिथाइल, यानी मिथाइल कितने टाइम्स आया है 3 टाइम्स। तो नेमिंग क्या होगा 2 पे, पहले पोजिशन लिखे कहां कहां पे 2 पे 5 6, 3 है 3 के लिए ट्राई, ब्रांच क्या है मिथाइल, तो उसके लिए क्या लिखेंगे मिथाइल, ब्रांच मिथाइल लिख दिए। अब देखिए ब्रांच खत्म हो चुका है, अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन 8, 8 के लिए क्या लिखते हैं ऑक्ट, कार्बन कार्बन के बीच में हर एक जगह पे क्या है सिंगल बॉन्ड है, उसके लिए AnE। तो ये मेरा आईयूपीएसी नेम सही होगा 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। यही अगर हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं 3 4 7 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन तो गलत होता, क्यों, क्योंकि ब्रांच लोवेस्ट लोकेंट इसमें है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर ए, आते हैं बी पे। यहां पे भी हम क्या करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए नंबरिंग कीजिए,
इस सेट अगर गए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन है। इस साइड से करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो दोनों साइड से क्या है 7 है। अगर देखिए कोई ये बोलता है कि हमने यहां करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हाँ ये भी सही है, लेकिन कोशिश कीजिए अगर लॉन्गेस्ट कार्बन में इक्वल नंबर आ रहा है कार्बन तो आप लॉन्गेस्ट कार्बन को चेन को सिलेक्ट कीजिए। इधर भी आ रहे तो 7, इस साइड भी जा रहे 7 तो हम इसे ही सिलेक्ट करना अच्छा समझते हैं। चलिए दोनों साइड से नंबरिंग करके देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर यहां से नंबरिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन है। सेकंड हम क्या करेंगे ब्रांच का पोजीशन को लिखते हैं। चलिए ब्रांच के पोजीशन को लिखें। अगर देखिए ब्रांच कहां कहां पे इसमें अगर हम देखें तो कहां पे 3 पे और ब्रांच कहां पे 5 पे, कहां पे 5 पे। इस नंबरिंग में अगर हम ब्रांच देखें तो कहां पे देखिए फर्स्ट ब्रांच कहां पे 3 पे, सेकेंड ब्रांच कहां पे 5 पे। अब यहां पे प्रॉब्लम आया क्योंकि ब्रांच दोनों में देखे क्या है इक्विवेलेंट पोजीशन पे, कहां है इक्विवेलेंट पोजीशन पे। अब यहां पे क्या करेंगे तब हम देखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। यहां पे जो 3 पे आया वो कौन सा ग्रुप है ये देखिए 3 पे जो ग्रुप आया वो मेरा क्या है इथाइल है। क्या है इथाइल, 2 कार्बन के लिए इथ ब्रांच होता है उसके लिए YL। यहां पे जो 3 पे आया वो कौन सा ब्रांच है मिथाइल है, कौन सा ब्रांच है मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले E आता है M बाद में आता है, दैट मींस ये मेरा नंबरिंग क्या होगा गलत होगा क्यों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में E पहले आता है। तो चलिए अब नंबरिंग कर दीजिए क्या है 3 इथाइल सेकेंड ब्रांच 5 पे है, देखिए ये एक ब्रांच है क्या है मिथाइल, तो 5 मिथाइल अब ब्रांच खत्म हो गया। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है, 7 के लिए हेप्ट कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है उसके लिए एएनई। तो ये क्या हुआ 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन मेरा करेक्ट नेमिंग होगा, इनकरेक्ट क्या होगा 3 मिथाइल 5 इथाइल हेप्टेन क्यों क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सही है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 12.7। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।